छिंदवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पाल एनआर बाजार से 1 लाख के नामी नक्सली डीकेएमएस अध्यक्ष कवासी भीमा गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआरजी और अरनपुर थाने की पुलिस ने घेराबंदी करके उसे गिरफ्तार किया है। 2010 में एंटी लैंड माइंस गाड़ी उड़ाने पुजारी पारा गौंडी रास मुठभेड़ में शामिल था नक्सली भीमा, और नक्सली पर नीला वाया चौक पर टिफिन बम लगाने और पुल पुलिया तोड़ना, मीटिंग करवाना जैसे संगीन आरोप हैं। दंतेवाड़ा एसपी अभिषेक पल्लव ने गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है, तो एक बड़ी सफलता यहां पुलिस प्रशासन को हाथ लगी। दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ स्वराज संवाददाता पंकज सिंह भदौरिया फोन लाइन से जुड़ गए हैं। पंकज, कैसे मिली पुलिस को बड़ी सफलता? तो पंकज से हमारे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क करने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि बड़ी सफलता पुलिस प्रशासन को हाथ लगी है। दंतेवाड़ा से ये बड़ी खबर मिली है कि 1 लाख का जो नक्सली है, इनामी नक्सली, वो गिरफ्तार कर लिया गया है। पालनार बाजार से इसकी गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने घेराबंदी करके इसे गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि काफी गंभीर आरोप इस पर लगे हुए थे और इस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित था। जाहिर है कि इस नक्सली की गिरफ्तारी हो जाने के बाद पुलिस को काफी अहम सबूत, बहुत सारी अहम जानकारियां मिल सकती हैं पूछताछ में, और दूसरी चीज, एक बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। योजनाएं बनाना जैसी जो गंभीर अपराध है, योजनाएं बनाना कि कहां कहां टिफिन बम और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देना है, पूरा प्लानिंग इस नक्सली द्वारा प्लान की जाती थी। ये एक तरीके से गाइडलाइन उन बाकी के नक्सलियों को दिया करता था, और इस नक्सली पर 1 लाख का इनाम घोषित था। काफी समय से पुलिस इसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही थी, आखिरकार इसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। और ये भी जाहिर बात है कि जब इस नक्सली की गिरफ्तारी के बाद में इस नक्सली से पूछताछ होगी, बयान दर्ज किए जाएंगे, काफी अहम जानकारी और पुलिस को मिल सकती है।